नमस्कार, ये लेडीज माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये दो कलर से हेयर टाई बनाना बता रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी दो कलर ले सकती हैं, मैंने पिंक और ब्लू लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैजिक रिंग बनाएंगे, और इसमें 8 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये 8 स्लिप स्टिच बना लिया, और अब हम धागा खींच के इसको रिंग नुमा बना देंगे। ये देखिए, अब ये लास्ट वाले चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। एक चेन लेंगे और इसमें प्रत्येक चेन में हम दो दो स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे प्रत्येक चेन में हम दो दो स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम अगली लाइन में एक चेन लेंगे, यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, और एक चेन लेंगे, इसमें हम एक सिंगल स्लिप स्टिच बनाएंगे, और अगले वाले चेन में डबल स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये सिंगल स्लिप स्टिच एक चेन में, अगले वाले में डबल स्लिप स्टिच, सिंगल स्लिप स्टिच, अगले वाले में डबल स्लिप स्टिच। ऐसे बन पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम प्रत्येक चेन में एक एक स्लिप स्टिच लेंगे, कोई फंदा इसमें नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अगली लाइन भी हम सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे हमें तीन लाइन बनाना है, एक लाइन बना चुके हम, दो लाइन और बनाएंगे। देखिए, तीन लाइन स्लिप स्टिच की हो गई, जिसमें कोई हमने फंदा बढ़ाया नहीं। अब हमें यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया, स्लिप स्टिच लेंगे, दो चेन लेंगे, और इसमें डबल क्रोचेट स्टिचिंग बनाएंगे। अब हमें प्रत्येक चेन में स्लिप स्टिच वाले में डबल क्रोचेट बनाना है। ये और ये दो, ऐसा हमें हर फंदे में करना है। ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये मेरा कंप्लीट हो गया हैट का ऊपरी हिस्सा। अब ये पिंक वाला धागा हम कट करेंगे। और इसको यहाँ पे हम टक कर देंगे। अब हमने ब्लू कलर का
ऊन लगा लिए, दो चेन लेंगे और अगली चेन में हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। फिर दो चेन लेंगे और अगली चेन में हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। फिर दो चेन लेंगे ऐसी पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। दो चेन लेते हुए हम आपको एक बार और बताएं, एक दो और अगली चेन में इसे हम ऐसे बंद कर देंगे। एक दो अगली चेन में इसे ऐसे बंद कर लेंगे, तो पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। इतना हमारा तैयार हो गया। अब ब्लू कलर के ऊन से हम यहाँ एक चेन टाइप बनाएंगे और बो लगाएंगे। तो चलिए उस चेन को कैसे बनाते हैं। हम धागा ऐसे डबल कर लेंगे, अब चेन ऐसे लेंगे, फिर ये वाला ऊन हम इस पर करेंगे। ऐसे हमारा डबल चेन उनको क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरे वाले उनको, ये देखिए दूसरे वाले उनको क्रोशिया पर रखेंगे और ऐसे डबल करते हुए हम करीब 38 चेन बना लेंगे। 38 आपके जितनी भी ये कैप की गोलाई आए उसके अनुसार आप बना लें। ऊन मोटा पतला भी हो सकता है, उस अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे चेन नुमा हम बना लेंगे। कैप के गोलाई के अनुसार बना लेंगे ऐसे ही चेन। ये लंबाई कंप्लीट हो गई। अब एक चेन लेंगे और उस चेन में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। तीन और ये चार हमारे डबल क्रोचेट हो गए। फिर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे और चार डबल क्रोचेट, एक दो तीन और यहाँ धागा हम कट कर लेंगे। सिलाई करने के लिए कुछ लंबा धागा रख लेंगे।
चलिए अब सिलाई करते हैं। हम किनारे किनारे ऐसे सिलते जाएंगे। ऐसे हम राउंड में पूरी सिलाई कर लेंगे और ये बो यहाँ लगा देंगे। हमारा ये क्रोचेट हेड तैयार हो गया है। अब इसमें हमको रबड़ लगाना है बालों को बांधने के लिए। तो चलिए पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। उसमें 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक मैजिक रिंग, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे हम खींच देंगे और रिंग का आकार दे देंगे। ये देखिए अब सब चेन में हमें 2-2 बार स्लिप स्टिच बनाना है। प्रत्येक चेन में 2-2 स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया ये लाइन। अब हमारी तीसरी लाइन चलेगी, 1-2। एक में हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे, दूसरे में 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 1 स्लिप स्टिच, फिर हम अपना रबड़ ज्वाइंट करेंगे यहीं पे। हम अपना रबड़ ज्वाइंट कर लिए। फिर हम यहाँ तक आएंगे और रबड़ का दूसरा सिरा भी ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ये ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इस पे हम 2 लाइन स्लिप स्टिच का बनाएंगे। ये मेरा 2 लाइन हो गया। अब इसकी सिलाई हम करेंगे। तो हम सिलाई के समय ऐसे कर देंगे और इसको इस तरह से यहाँ सिलाई करेंगे। ऐसे ही हम सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। आधी सिलाई करने के बाद अब हम इसमें कैप में कुछ कॉटन भर देंगे ताकि कैप दबे नहीं। देखिए ये उठा रहा है, तो लिए हम थोड़े कॉटन भर देंगे और फिर सिलाई कर देंगे।
भरने के बाद हम फिर सिलाई ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई करके धागा कट कर दिया, ये मेरा खूबसूरत हेयर टाई तैयार हो गया। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।